दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। तो मैं आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ अजय देवगन। तो वीडियो में जोरदार गाली का प्रयोग किया गया है। अपनी अपनी हेडफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों, अजय देवगन का आतंक इंस्टाग्राम में कुछ इस प्रकार बढ़ी है कि इंस्टाग्राम को बचाने के लिए मुझ जैसे सूरवीर अबे साले को सामने आना पड़ रहा है। और इन अजय देवगन का आतंक 4-5 साल और रहा तो इनकी एक अलग दुनिया बनेगी, जिसका नाम अजाकिस्तान रहेगा। अलग दुनिया मतलब अलग देश बनेगा, जिसका नाम अजाकिस्तान रहेगा। अपनी अपनी प्यारी प्यारी नजर डालते हैं इन पर भी और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वैसे तो ये मैंने बोल दिया था, पर शुरू कर देते हैं यार, बकचोदी तो होती ही रहती है। तो नजरें डालते हैं इन पर भी और इन्हें भी अपनी पाप का भागीदार बनाते हैं। काम बोले कर काम भोसड़ी के। ओफो प्रिया, बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू, अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बकचोदी मत कर लौड़े, मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ काम करे और मैं पढ़ाई करूँ। बहुत कर्ज है मुझ पर मेरी माँ का। इसकी शक्ल तो खुद ही अजय देवगन के छूतरों से मिलकर बनी है। मादरचोद, ये तो कर्ज से दबा होगा ही और बाप का कोट पहनकर प्राइमरी स्कूल के पीछे मुजरा कर रहा है। बाप आया तो मारेगा कम और सीटेगा ज्यादा। अब बैठो ना। नहीं, खड़ी ठीक हूँ। अब तुम दोनों की मागीशो। तुम्हारे बाबूजी आए थे यहाँ तो नाचू मैं? नहीं, वो कह रहे थे कि चड्ढा समझाओ इसे। गराज वाला आसिफ, उसके साथ लफड़ा है मेरा, यही ना? लेकिन वो गराज वाला क्यों? प्यार करता है मुझसे। और तुम? बिल्कुल नहीं करती। बस देती बस है ना, रात को 12 के बाद भोसड़ी के पोलियो से ग्रसित अजय देवगन, तुझे चाहिए तो तू बोल देना ये तू मैं वाला खेल खुद के साथ क्यों खेल रहा है। बात तो सही है। मादरचोद, ये इंस्टाग्राम में अवैध धंधा बंद करो अजय देवगन का। मैंने इतने चेहरे देख लिए ना कि मुझे असली अजय देवगन का चेहरा याद नहीं, इसलिए बंद करो, अब भी बंद करो, अब भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सपना ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। अच्छा, लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा। अरे अजय देवगन की मुड़ी हुई झांटे, तू सपना को दुनिया से बाद में बचाना, पहले अपने अजय देवगन भाइयों से बचा जो इतने सारे पैदा हो रहे हैं। दुनिया से पहले सपना को वो नोच कर खा जाएंगे। और मैंने तेरे से कितनी बार बोला है कि आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। कितना प्यार करते हो तुम आज भी उससे? नहीं, वो प्यार मर चुका है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो फिर तुमने मुझे उस प्यार को मारने क्यों नहीं दिया, बचा क्यों लिया उसे? भोसड़ी का तुझे देखकर लग रहा है कि तू गर्मी में हगने गया था और प्रेशर नहीं बना तो दो बार मुट्ठी मार कर वीडियो बनाने आ गया। और तेरी इस शकल को, इस पसीने को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि आज तू फिर मंडप जला कर आया है। कौन? मैं नहीं, वो मैं नहीं यार, बाजू वाली। अच्छा अच्छा, पूजा, ओ पूजा देख कैसे इशारा कर रहा है। झाड़ झाड़ से लौंडे सिर पर पट्टी बांध के खुद को फूल और कांटे का अजय देवगन समझ रहे हैं। उन्हें कोई जाकर बताओ कि वो अजय देवगन कम और अजय देवगन की झाटे लग रही है, वो भी सुलगी हुई। और इसे इसकी मम्मी देखकर बोलती होगी, क्या बकचोदी कर रहा है, कितना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बता। एक बात और है, जितनी आबादी जनसंख्या पाकिस्तान में है उससे ज्यादा तो हमारे देश में अवैध अजय देवगन घूम रहे हैं।
तो असली अजय देवगन को जाकर बताओ कि भाई हर जगह पिचकारी बिमल की पिचकारी मत मारो। बल बोलो जुबाकी से। क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ वो पिचकारी मार रहे हैं वहाँ वहाँ से एक न्यू अजय देवगन, वो भी एंटिक पीस वाला, निकल कर बाहर आ रहा है। बात तो सही है। तो वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में जितने भी अजय देवगन आपको देखे हो सबको मारो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल को बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, कुछ साथ दो। ये 100 वीडियो डाल चुका, कुछ मिल नहीं पा रहा, सब परेशान हो रहा हूँ मैं, इसलिए सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब के बटन दबाओ पेल कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।